नमस्कार किसान साथियों, आप देख रहे हैं कृषि दर्शन XY6 और मैं हूं दिनेश रावत। साथियों, आज 12 अगस्त 2024 का दिन है और हम मध्य प्रदेश के हरदा ज़िले के खेड़ी महमूदाबाद के खेत में आए हुए हैं और इस खेत के किसान मित्र अनिकेत लोधवाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अनिकेत जी, सबसे पहले आप अपना छोटा सा परिचय और इस जगह के बारे में बताइए। जी, मेरा नाम अनिकेत लोधवाल है। जी, मैं हरदा का निवासी हूँ। मेरी ज़मीन हरदा में ही आती है, वार्ड नंबर 31 खेड़ी महमूदाबाद में मेरी ज़मीन है। जी, जहाँ पर ये फसल लगाई है। जी, अभी मैं देख पा रहा हूँ ये जो फसल है सोयाबीन की फसल है और बहुत ही अच्छी प्यारी दिखाई दे रही है। तो मैं जानना चाहूँगा कि ये कौन सी वैरायटी है? ये ब्लैक बोल्ड है। ब्लैक बोल्ड, ये कितने दिनों की फसल हुई अभी? जी, अभी ये 23 जून की इसकी बोनी थी। जी जी, तो 23 जून से अभी अपन जोड़े तो 1.5 महीने प्लस चल रही है। जी, अगर हम इसकी खासियत की बात करें या इसके विशेषताओं की बात करें तो इसमें क्या इसकी खासियत है? क्योंकि आपने कहा कि ये एक नई वैरायटी है, तो नई वैरायटी को लेते समय इसकी क्या खासियत आपको बताई गई थी? प्रोडक्शन थोड़ा दूसरी वैरायटियों से अच्छा है। जी, और इसमें जो फली झड़ने की जो समस्या आती है, हाँ, वो फली झड़ने की समस्या इसमें नहीं रहती उतनी ज़्यादा। जी, और अभी वैसे भी नई वैरायटी ज़्यादा अपने को इसके बारे में पता नहीं है। ठीक है, फर्स्ट टाइम अभी इसको लगाया है, जिससे अब अपने को पता चलेगा आगे कि इसमें क्या क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ठीक है, लेकिन अगर प्रोडक्शन की बात की अगर हम चर्चा करें, क्योंकि अगर हम कोई सा बीज लेते हैं तो कोई भी कंपनी हो या दुकानदार है वो हमें ज़रूर बताता है कि इसका जो एवरेज इतना होगा। तो उन्होंने क्या बताया? जी, 15 से 20 क्विंटल इसका एवरेज है। जी, अब निकलने पर पता चलता है। तो और फसल कभी अपन केयर कर पाते हैं, पानी कभी रुक जाता है, टाइम टाइम से पानी गिरता है, उसमें अगर अपन खाद दे दें, स्प्रे दे दें, तो जिससे प्रोडक्शन अच्छा मिल सकता है। जी, और अगर अपन पानी कंटिन्यू, जैसे आप देख रहे हो अभी यहाँ पे महीने भर से पूरे सावन में पानी कंटिन्यू गिरा है। जी, जिससे फसल की कुछ भी केयर नहीं हो पा रही है। जी, अभी मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो सोयाबीन है इसकी ग्रोथ तो बहुत ही शानदार है, हाइट मतलब काफ़ी अच्छी है, लेकिन फ्लावरिंग मुझे कम दिखाई दे रही है और आपको भी शायद कम दिखाई दे रही होगी। साथ ही इसमें ये जो पत्तियाँ हैं इसमें कुछ छेद छेद से दिखाई दे रहा है, तो ये कोई बीमारी है या बारिश के कारण ऐसा है? सिर्फ बारिश के कारण है, बारिश में भी पानी गिर रहा है जिसके कारण हम इसमें अभी इसकी केयर नहीं कर पा रहे, ना इसमें ईल मार डाल पाए हैं जी, और ना अभी इसमें हम टॉनिक डाल पाए। तो टॉनिक, अभी फ्लावरिंग इसमें स्टार्टिंग हो गई है, थोड़ी थोड़ी इसमें फ्लावरिंग हो रही है। अगर अपन इसमें टॉनिक डाल देंगे तो फ्लावरिंग अच्छी हो जाएगी। जी, ईल मार भी डालना है, बस दो चीज करना है। जी, अगर हम ये टॉनिक और ईल मार की दवा अगर स्प्रे करते हैं तो क्या इसका रिजल्ट अच्छा हमें मिलेगा? जी, इसका रिजल्ट दिखता ही अच्छा मिलेगा। जी, तो ओवरऑल अगर इसकी हम अवधि की बात करें तो ये कितने दिनों की फसल है? क्योंकि जैसा आपने कहा कि इसमें लगभग 45 दिनों की हो चुकी है, 23 जून की बुवाई है आपने जैसा कहा। 95 दिन। अच्छा, तो ठीक है किसान साथियों, आज के लिए इतना ही और उम्मीद करता हूँ कि हमारे अनिकेत जी द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत ही लाभप्रद होगी और अच्छी लगी होगी। तो ठीक है, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ नई लोकेशन पर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।